हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में क्या खास है आज आपको बताता हूं कि एक्सेल में आखिरकार खास क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक शीट है और इस शीट पे कुछ डेटा है, जैसे यहां तो सीरियल नंबर लिखा हुआ और यहां पे हमें आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है, और यहां सिटीजन का नेम और यहां पर एज एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है, लेकिन इस वाले फील्ड में और इस वाले फील्ड में वैलिडेशन लगाया है। अब फायदा क्या है इसका, जैसे मान लीजिए किसी का आधार नंबर है तो 10 अंकों का आधार नंबर होता है, तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 अंकों का आधार नंबर हमने यहां पे एंटर किया और एंटर किया, और जैसे ही नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे आ सकते हैं। एंटर करके नीचे आ रहे हैं एकदम क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आते हैं, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये भी 10 अंकों का हो गया और यहां पर एंटर किया, तो अभी तो ये एंटर कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा जितने अंकों का यहां पे है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अंकों का हो गया था ये, तो इसको एक हटा देते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां पर ये 10 अंकों का हो गया। क्या हम इसको रिपीट कर सकते हैं, तो आइए रिपीट करके देखते हैं। ऊपर वाला रिपीट करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2, 3, 4, फिर लिखा है 5, 6, 7, फिर लिखा है 8, 9 और फिर 0, 9, तो इसको क्या हम रिपीट कर सकते हैं। देखिए हमने यहां पर लगाया है वैलिडेशन, तो आपके सामने एक एरर दिखाई पड़ेगी, एरर क्या है उसको देखते हैं, एरर क्या है उसको देखते हैं। एंटर करते हैं तो ये लीजिए, ये क्या एरर आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है अरे भाई यहां आधार नंबर देना है, तो भाई हमने तो आधार नंबर ही दिया है, लेकिन इसके आगे पढ़ते हैं, आधार एंटर करो ना, डुप्लीकेट नहीं एंटर करना, वरना आपकी आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ये सजेस्ट कर रहा है कि आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे, अगर डुप्लीकेट एंट्री करोगे तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो फिर देखिए यहां पे मैंने जैसे इसे क्लोज किया तो ये फिर ओपन हो गया, देख रहे हैं, तो डुप्लीकेट आप नहीं दे सकते, तो इसे कैंसिल करना होगा, ठीक है ना। आइए सिटीजन वाले नेम में आते हैं, यानी यहां पे सिटीजन का नाम लिखना। अब मान लीजिए आप भाई आदमी है, गलती ही हो गई, तो यहां पर सिटीजन के नाम के बजाय यहां कोई नंबर आ गया, और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, इतनी बड़ी गलती मत करो बेवकूफ, ये तो मुझे बेवकूफ बोल रहा है। चलिए देखते हैं, यहां तुम्हें किसी का नाम एंटर करना, अच्छा तो ये बात है, तो यहां पर अब हम रिट्राई करेंगे और किसी का नाम एंटर करके देखते हैं, जैसे लिखते हैं आर ए एम राम, ठीक है, और एंटर जैसे ही करते हैं तो यहां पे ये नाम एंटर हो पा रहा है, ठीक है, और डुप्लीकेट भी एंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहां पे राम दोबारा लिख दिया तो ये इसका विरोध करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आधार कार्ड आप डुप्लीकेट थोड़ी ना लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर कोई और आधार कार्ड देना हो, कोई और आधार कार्ड नंबर, तो यहां पे देखिए 4, 3, 7, 8, 9, 10, 10 अंकों का आधार कार्ड हो गया, तो यहां पे तो ये एक्सेप्ट कर गया, लेकिन आप जब डुप्लीकेट रखेंगे तो डुप्लीकेट ये नहीं लेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और डुप्लीकेट वैल्यू तो यहां एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर यहां पे देखिए मैं डुप्लीकेट लिख के दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए अब इस बार नीचे वाला ये 4, 6, 7, 6, फिर क्या है 4, 7, फिर यहां क्या है 5, 4, 3, तो ये 5, 4, 3 किया और एंटर जैसे ही करेंगे, देखिए यहां पे एंटर किया हमने तो यहां पर तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अभी देखिए यहां पे 4, 6, 7, 6, 4, 7, 5, यहां पे 4 छूट गया, देखिए यहां पे 4 लिखा और एंटर किया, तो जैसे ही एंटर किया तो यहां पे देखिए ये फिर मैसेज आ रहा है। तो ये कैसे बनाया गया, इस तरह की अगर आपको जो है डेटा वैलिडेशन सीखनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में कि ये कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हेडर है ना, इस हेडर को कॉपी कर लेते हैं, हमको लिखना ही पड़ेगा, फिर कलर वगैरह लगाना पड़ेगा, दूसरे शीट पे चलते हैं, यहां पे आए और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस जगह पे हम इसे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और जब पेस्ट करेंगे तो यहां पर इसे ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे और यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और फिर अब क्या करना है, इस तरीके से इसको सेलेक्ट कीजिए और इतने ही हिस्से में हम इसको देखेंगे, तो यहां पर हमने लगा दिया क्या, यहां पर हमने लगा दिया है बॉर्डर इस पर, ठीक है। अब यहां पर हम आधार नंबर, आप आधार नंबर के बजाय पैन कार्ड की भी बात कर सकते हैं, किसी की भी बात कर सकते हैं, तो यहां पर लिखा 1 और यहां पर लिखा 2, देख सकते हैं ना। अब एक्सेल में इनेबल फिल हैंडल होता है, तो फायदा क्या है इनेबल फिल हैंडल का, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहां से ड्रैग करवा लीजिए, तो जितना ड्रैग करवाएंगे उतना यहां पे नंबर आता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर हम चाहते हैं कि जो आधार कार्ड नंबर डाले वो डुप्लीकेट ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन क्या है ध्यान से समझिएगा, काउंट इफ का फंक्शन है, तो यहां पर लिखिएगा काउंट और आई एफ इफ,
तो ये हो गया काउंट इफ। अब इसमें कह रहा है रेंज, तो मान लीजिए कि हम अगर इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ये वाला रेंज, ठीक है, तो ये वाला रेंज से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या करना है, ये वाली रेंज सेलेक्ट करनी है, ये वाली। और यहां पर आप कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट कीजिएगा। कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करने से फायदा ये होगा कि बी से लेकर बी तक ये पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, ये पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो चुका है। अब यहां पर लगाइएगा क्या, देखिए जब पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। और कॉमा लगा करके हम यहां पर आधार नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप आधार वाले जो सेल है उसको सेलेक्ट कर जाइए। ये सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट को क्लोज करके इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहां लिखेंगे 1, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो यहां आप देखेंगे कि ट्रू का मैसेज आ गया, देख सकते हैं ना, यहां पर क्या मैसेज आया, ट्रू का मैसेज आया, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ये आते हैं और F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस किया और इसको कॉपी कर लेना है आपको, यहां से इसे कॉपी कर लिया और अब एंटर कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, किसको सेलेक्ट करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। उससे भी पहले हमें कहां जाना है, डेटा टाइप पे जाना है। ये डेटा टाइप पे आए हम, और डेटा टाइप पे आने के बाद यहां से डेटा वैलिडेशन पे आइए और यहां से सेटिंग पे आइए और यहां पर ये जो एनी वैल्यू है इसे बनाइएगा कस्टम, और जो फंक्शन हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट करिए। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से ओके प्रेस करना है। लेकिन रुकिए, ओके ऐसे नहीं प्रेस करना है, जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तब ओके प्रेस करना है। और अभी इसको हटा ही देते हैं हम, और यहां से पहले कैंसिल करते हैं, पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा इसे। और सेलेक्ट करने के बाद तब कहां जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और तब यहां पर डेटा वैलिडेशन पे जाके यस करेंगे इसको। और यहां पर देखिए ये ऑलरेडी लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। और अब यहां पर आप क्या करिए, ओके कर दीजिए। तो ये ओके कर दिया है, और ओके करने के बाद अब यहां पर हम डालते हैं आधार नंबर, ठीक है, डालते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंकों का आधार नंबर हो गया, एंटर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इसी वैल्यू को नीचे रिपीट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 तक आ गए, फिर 09, फिर 09 किया और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है आधार एंटर करो ना, डुप्लीकेट नहीं एंटर करो वरना आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे। यानी वही चीज आपको यहां भी शो हो रही है, क्योंकि जब हमने यहां पर डेटा वैलिडेशन पे जब हम गए थे, देखिए ये जो हमारा डेटा वैलिडेशन है यहां पर जाकर के, और एरर अलर्ट जो है ये ओपन करेंगे, एरर अलर्ट जो दिख रहा है ना यहां पर, और इसे स्टॉप रखा है मैंने, आप चाहे तो यहां वार्निंग भी दे सकते हैं, यहां वार्निंग दे देंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, या आप इंफॉर्मेशन दे देंगे तो ऐसे आएगा। तो यहां पर आकर के आपको गूगल इनपुट टूल्स का यूज करना है। ये देखिए यहां पर गूगल इनपुट टूल्स इंस्टॉल है, और यहां पर जाकर के आप हिंदी में जो टाइप करना चाहते हो यहां पर टाइप कर दो, और कुछ चीजें यहां पर टाइप कर दो जैसे मैंने टाइप किया है, ठीक है, और ऐसे ही लिख करके ओके कर दो। तो जब ओके कर दोगे तो यहां पर ये फायदा होगा कि जैसे ही आप डुप्लीकेट एंट्री करोगे तो यहां पर डुप्लीकेट एंट्री कहेगा कि ये डुप्लीकेट एंट्री है, आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। देखिए यहां पर अगर मैं डुप्लीकेट नहीं डालता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया, तो यहां पर देखिए एक मिनट, एक नंबर रह गया, यहां पर 0 कर देते हैं। तो ये देखिए ये जो है इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर गया। लेकिन अगर इसी चीज को मैं डुप्लीकेट देने की कोशिश करूं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर यहां पर 8 है, फिर यहां पे क्या है 0 है, फिर 9 है, फिर 7 है, और एंटर कर देता हूं, तो ये जो एरर है ये आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब सिटीजन वाले में क्या करेंगे, सिटीजन वाले में कैसे हम ये देंगे, तो सिटीजन वाले का भी क्राइटेरिया है, मैं बता देता हूं आपको करना क्या है, ठीक है, क्या करना है। इसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करके सीधा आ जाइएगा यहां पर डेटा वैलिडेशन पर, और आने के बाद यहां डेटा वैलिडेशन पे जाइए और यहां पर सेटिंग पे आकर के, और ये जो है ना इसे क्या बनाइएगा, कस्टम। और एक फंक्शन है, बता देता हूं, इज टेक्स्ट, ये फंक्शन आपको यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है, बहुत ईजी है। फंक्शन या फॉर्मूला कैसे शुरू होता है, इज इक्वल टू के निशान से, तो यहां लिखिएगा इज टेक्स्ट और इस तरीके से लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, इज टेक्स्ट लिख करके आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। और यहां पर ये यहां पर जो है जो लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लिखा जाए, ठीक है, यहां पर जो लिखा जाए वो टेक्स्ट है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है, तो है तो ट्रू हो जाना चाहिए। तो यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको बंद करता हूं, और बंद करने के बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहां लिख देना है TRUE, ट्रू, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब आप यहां पर कोई नंबर एंटर कीजिए, वैसे मैंने इसमें
एरर अलर्ट नहीं दिया है तो उसको भी दे देते हैं। तो यहां से जाकर के डेटा वैलिडेशन वापस ओपन करते हैं, ये सब वैसे ही रहेगा, बस आपको यहां पे आना है एरर अलर्ट पर, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हम यहां, अब देखिए ये इसके लिए गूगल इनपुट टूल आप यूज कीजिए। देखिए मैं यहां पे जा रहा हूं और यहां पे जाके ये हिंदी कर ले रहा हूं गूगल इनपुट टूल्स की मदद से, और यहां लिखूंगा यहां पर नाम लिखना है, ये लिख दिया हमने नाम लिखना है, ठीक है ये लिख दिया और यहां पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। तो यहां नाम ही लिखो ये मैंने दे दिया, तो यहां नाम ही लिखो, ठीक है देख सकते हैं, और यहां से ओके कर दिया। तो ये ओके कर देने पे आप जब यहां पर कोई नंबर एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये नंबर एंटर किया, अब ये मैं हिंदी में अभी हूं, इसको हटा देता हूं, यानी गूगल इनपुट टूल्स ये जो लिया है हमने इसको हटा करके यहां हिंदी कर दिया, और यहां पर कुछ टाइप करता हूं, जैसे नंबर टाइप करता हूं, जबकि नेम ऑफ सिटीजन में किसी का नेम होगा, हमने नंबर टाइप कर दिया, तो ये तुरंत एरर देखिए क्या दिखा रहा है, यहां पर नाम लिखना है तो यहां नाम लिखो, याद है ना। और रिट्राई जब करेंगे और यहां पर नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अवनीश लिख देते हैं एक नाम, तो ये अवनीश लिखा और एंटर किया, तो यहां कोई एरर नहीं है, लेकिन यही अगर नंबर दे देते हैं तो तुरंत एरर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से एज के लिए भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, तो हटा दिया, और अब एज के लिए देना है तो यहां से जाकर के वही डेटा वैलिडेशन पे जाना है आपको, क्लिक करना है और क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाकर के यहां पर होल नंबर देना है या डेसिमल। तो जैसे मान लीजिए आपको होल नंबर ही देना है, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ देना हो तो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, एनी वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे होल नंबर बनाता हूं तो ये बिटवीन आएगा, तो किससे किसके बीच देना है ये आपको डिसाइड करना है। तो एज जो भी हो यहां पे देना चाहते हो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बिटवीन 1 to 100, माने 1 से लेके 100 साल तक आप यहां पे एज दे सकते हैं, तो ये हमने दे दिया, ठीक है। और इसमें भी हमने अभी एरर अलर्ट नहीं लगाया है, तो यहां पे जाके एरर अलर्ट लगा लीजिएगा, यहां पे जाइएगा और यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश किसी चीज में दे सकते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में ही दे देता हूं। तो गूगल इनपुट टूल्स पे जाकर के यहाँ पे लिख देता हूं कृपया उम्र 100 से कम या 100 तक एंटर। अब इसमें इतना बड़ा ये टेक्स्ट लेगा नहीं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 100 तक एंटर करें, ये मैंने दे दिया और एंटर कर दिया। और यहां पर अब पूरा लिख देंगे कृपया उम्र 100 तक ही एंटर करें, ठीक है। तो ये दे दिया हमने, और ये देने के बाद क्या करना है, ओके कर देना है, और ओके करने के बाद यहां पर एंटर कीजिए। देखिए ना, किसी की उम्र 120 साल देंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। ये तो खैर हिंदी में आ गया, इसको हटाते हैं, यहां से जाकर के इसको इंग्लिश इंडिया बनाते हैं और फिर 120 लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 100 तक एंटर करें, कृपया उम्र 100 तक ही एंटर करें, याद है ना। और जैसे ही यहां इसे हटाएंगे और यहां पर 100 डालेंगे तो 100 तक ही एक्सेप्ट कर जाएगा। तो देखिए 100 तक एक्सेप्ट करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी की पूरी ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छी लगेगी, और इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। समय समय पर लाइव क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। इधर थोड़ा सा बिजी हूं मैं, जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं चला पा रहा हूं, लेकिन वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।